नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी, दशक का सबसे बड़ा वनडे प्लेयर कौन है? जब मैं ये सवाल आपके सामने रखता हूं तो निश्चित तौर पर ओपिनियन बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े खिलाड़ी रहे भारतीय टीम के लिए। महेंद्र सिंह धोनी ने जो कुछ एक कप्तान के रूप में अचीव करवाया है वो अनपैरलल है, उसकी तुलना कहीं नहीं हो सकती। सिर्फ भारत में ही छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि यही वो दशक है जिसमें भारत ने वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी जीता 1983 के बाद। उस वक्त पे हमने 60 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, अब हमने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता और हम पहला ऐसा देश बने जिसने अपने घर पर विश्व कप जीता। इसके बाद यही दोहराया ऑस्ट्रेलिया ने और फिर वही दोहराया इंग्लैंड ने, लेकिन शुरुआत की भारत ने 2011 में। उसके बाद अगर आप देखें तो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, इस बीच एशिया कप भी है, कई सारे ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं जिसे इंडिया ने जो है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंडर जीता। लेकिन सुनील गावस्कर से जब ये सवाल पूछा गया और एक चैनल पर उन्होंने बयान देते हुए ये कहा कि अगर मेरे सामने महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को रखिएगा और पूछेगा कि दशक का सबसे बड़ा बल्लेबाज कौन है, खिलाड़ी कौन है, तो मैं विराट कोहली का नाम लूंगा, क्योंकि विराट कोहली ने इस एक दशक में बहुत सारे ऐसे बल्लेबाजी से कारनामे कर दिए हैं जो अनपैरलल हैं। अगेन, जैसा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हमने जो कुछ हासिल किया है, उसी तरह से विराट कोहली की बल्लेबाजी, सबसे तेज 10,000 रन बनाना, सचिन के शतकों को वनडे में ऑलमोस्ट तोड़ ही देंगे ऐसा लग रहा है। हालांकि पहला उनका साल गया 2020 जब उनके करियर में ये एक ऐसा साल है जिसमें कोई शतक नहीं आया, बड़े बड़े स्कोर्स आए लेकिन वो कभी भी उसे सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ये विराट कोहली के करियर में पहली बार हुआ है ऐसा कि उन्होंने कोई साल जो है वो बिना शतक के निकाल दिया। हालांकि बहुत ज़्यादा मैचेस तो नहीं हुए, लेकिन विराट कोहली के लिए इतने मैचेस भी काफ़ी हैं। आपने न्यूजीलैंड खेला, आपने ऑस्ट्रेलिया खेला, लेकिन आपने शतक नहीं लगाया, तो ये एक बड़ा कंसर्न। आईपीएल में भी उनके नाम कोई शतक नहीं रहा, हालांकि आईपीएल में शतक लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन विराट कोहली जैसा बल्लेबाज जो एक ही सीजन में 4-4 शतक लगा चुका हो आईपीएल के, उसके लिए ये मुश्किल नहीं था, लेकिन विराट कोहली वहाँ भी शतक नहीं लगा पाए। तो ये साल सेंचुरी लेस रहा है विराट कोहली के लिए, लेकिन जो उनकी अचीवमेंट्स हैं बीते एक दशक में वो अनपैरलल हैं। और इसी को लेकर के सनी गावस्कर ने जो है वो विराट कोहली को दशक का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताया है वनडे क्रिकेट का। आपके लिहाज से वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है बीते 10 सालों में, आप ज़रूर बताइए, क्योंकि ये बहस अब बहुत आगे जाएगी, क्योंकि ICC भी चुन रहा है डेकेड का बढ़िया टेस्ट प्लेयर, बढ़िया वनडे प्लेयर, सबसे बड़ा कप्तान, सबसे बड़ा T20 प्लेयर। तो इन सारी चीज़ों पर बहस हो रही है, बात हो रही है, चर्चा हो रही है, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।